अब जब रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल वो डिले हो चुकी है, और तो जाहिर है 11 अगस्त इट विल बी अ टू हॉर्स रेस बिटवीन सनी देओल्स गदर 2 एंड अक्षय कुमार ओ माय गॉड 2। खैर देखना यह है कि क्या हमारे अक्षय कुमार साहब जो शिव शिव प्ले कर रहे हैं ओ माय गॉड 2 में, क्या उनका शिव अवतार हमारे सनी पाजी के तारा सिंह जिनके 2.5 किलो के हाथ है, क्या ये वो उन पे भारी पड़ेगा, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन आज बात होगी ओ माई गॉड 2 के टीजर की, जो कि आज ही ड्रॉप हो चुका है। इससे पहले टीजर पे विस्तार में बात हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। खैर आज ओ माई गॉड 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय ने। इसके अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अक्षय कुमार, उनके साथ है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम का भी नाम है कास्ट में। और दोस्तों अगर आपको याद हो कि बेसिकली ओ माई गॉड 2 इज द सेकेंड फिल्म इन द ओ माई गॉड फ्रेंचाइज। जो पहली फिल्म आई थी वो 2012 में आई थी, और तब का जो सोशल पॉलिटिकल माहौल था तब वो काफ़ी डिफरेंट था। और तब अगर यदि आप यू नो किसी फेथ को क्वेश्चन करें तो तब वो चल जाता था, लेकिन आज का जो माहौल है यदि आप वही चीज़ आज करेंगे तो जाहिर है तो आपको शायद जूते और पत्थर भी पड़ सकते हैं। तो खैर आज जो टीजर यू नो लॉन्च हुआ है ओ माई गॉड 2 का, उसके अंदर सबसे पहले जो हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो पहली कहानी थी जिसके अंदर परेश रावल साहब का जो कैरेक्टर था कांजी लाल वो एक नास्तिक था, लेकिन ओ माय गॉड 2 में जो मैं कहूंगा एक पैरेलल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, दैट इज ऑफ पंकज त्रिपाठी, वो बिल्कुल एक ही शिव भक्त है, यू नो वो एक आस्तिक बंदा है। तो कहानी कुछ जैसे हमने टीजर में देखा कुछ ऐसा ही लग रही है कि जो हमारे यहाँ पे कांति शरण मुदगल साहब है, दैट्स पंकज त्रिपाठी, और ये कहानी एमपी के उज्जैन शहर में बसी हुई है। और शुरू में ऐसे दिखाया कि ये भाई साहब एकदम बड़े शिव भक्त है, और फिर आई थिंक शायद एक दुर्घटना हुई है जिसके अंदर शायद उनके बेटे की मौत हो गई है, सुसाइड लग रहा है, और उस हादसे के बाद जाहिर है यू नो हमारे मुदगल साहब और उनका जो परिवार है वो काफ़ी मायूस है। टीजर में अगर आप थोड़ा देखेंगे ऐसे दिखाया कि पंकज त्रिपाठी साहब एक कोर्ट में थोड़े साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये आपको सोचने में शायद मजबूर करेगा कि ये कैरेक्टर है कौन, क्या ये कोई एक हम्बल कम्युनिटी से आता है। लेकिन खैर मुदगल जो शब्द है जो सरनेम है ये तो पहले तो क्षत्रिय थे, अब ये ब्राह्मण्स नहीं आते हैं। तो खैर आई थिंक जो टीजर में सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज़ तो वही है, आई थिंक अक्षय कुमार साहब है जो खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है एंड ही इज ऑब्वियसली प्लेइंग लॉर्ड शिवा। और टीजर में ये देखने को मिलता है कि कैसे दुविधा में पड़े हमारे मुदगल जी, आई थिंक वो दिल से प्रार्थना करते हैं और फिर मनुष्य के रूप में भगवान शिव आते हैं, दैट इज अक्षय कुमार। तो कहानी तो वैसी ही लग रही है, ये हम खैर प्योरली बेस्ड ऑन टीजर कह रहे हैं। अगर आपको याद हो कुछ मेरे ख्याल से इस साल के शुरुआत में कुछ ऐसे भी अफवाहें थी कि शायद ओ माई गॉड 2 माइट स्पीक अबाउट टेक ऑन सम सेक्स एडुकेशन। खैर टीजर देखे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, और जहाँ तक हमारा मानना है ओ माई गॉड जो पहली फिल्म थी यू नो कहीं ना कहीं उसने किसी फेथ के अगेंस्ट नहीं कहा था, लेकिन हाँ जो मैं कहूँगा ब्लाइंड फेथ है, और जो धर्म के नाम पे लोगों ने जो अपनी दुकानें यू नो चला रखी है, वो फिल्म ने उस चीज़ के खिलाफ मैं कहूँगा एक बड़ी सटल तरीके से यूमर से उसके खिलाफ एक आवाज़ रखी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, बिकॉज ये तो मेरे को बिल्कुल लग रही है कि इट्स अ स्टोरी ऑफ फेथफुल। खैर अगर अब मैं पंकज त्रिपाठी साहब की बात करूँ तो वो तो खैर एक बेहतरीन एक्टर है, और इस टीजर में थोड़े बहुत जो उनके सीन्स है और जो आई थिंक उनका जो वॉइस ओवर है उनके वॉइस ओवर में आपको भक्ति दिखेगी, और लेकिन आई थिंक जो उनके जो विजुअल एलिमेंट्स है कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्ट इतना नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ टीजर एंड आई डोंट थिंक वी कैन जज एनी आर्टिस्ट प्योरली बेस्ड ऑन और एनी फिल्म बेस्ड ऑन अ टीजर अलोन। तो खैर अगर अक्षय कुमार की बात करूँ तो यहाँ पे जाहिर है आई थिंक वो जो उनको एक हेडू दिया गया है, लंबे बाल उनके नेचुरल नहीं है तो वो तो खैर इतने अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ लेकिन जस्ट लाइक ओ माई गॉड पहली वाली फिल्म आई थिंक उसके अंदर अक्षय कुमार की खास बात उस फिल्म में और इसमें भी लग रहा है वही रहेगी, वो है अक्षय कुमार का जोवियल एटीट्यूड, यू नो उनकी एक इन्फेक्शियस स्माइल जो हमेशा पर्दे में जान डाल देती है। तो वही चीज़ हमें आई थिंक यहाँ पे भी शायद देखने को मिलेगी, एटलीस्ट टीजर में तो यही पता लग रहा है। हाँ आई थिंक जो अक्षय कुमार साहब की जो एक का डायलॉग है टीजर में वो शायद उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अक्षय आई वुड से द ह्यूमर द फन लविंग अक्षय वो आपको इस टीजर में और इस फिल्म में ज़रूर दिखाई देंगे। आई थिंक एक अच्छी बात और है इस टीजर की, अगर आप देखें शुरू से अंत तक जितने भी टेक्स्ट आते हैं टीजर में वो सब ज़्यादातर देवनागरी में है, और ये आई थिंक इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन मैं कहूँगा, और इससे ऑब्वियसली जो हिंदी दर्शक है वो शायद इससे और इम्प्रेस होगी। और एक चीज़ और अगर आप नोटिस करें कि ये फिल्म ऑब्वियसली एमपी में सेट है, और नॉर्मली ये रहता है कि आप
ओ माय गॉड वन की बात करें तो वहाँ तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और कहीं ना कहीं एक ये कहूँगा एक बेबाकी थी जिस अंदाज में यू नो दे टुक ऑन द फेक आई वुड से द बिजनेस ऑफ रिलीजन। यहाँ वैसा कुछ नहीं है और उल्टा यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टीजर में आपको भक्ति जो है खासकर जो मतलब हर हर महादेव का जहाँ भी नारा बजता है वहीं पे आपको भक्ति सुनाई देगी। और इसके अलावा एक ट्रेलर टीजर के एंड में आपको एक बुलक भी देखने को मिलेगी तो जाहिर है वो नंदी का रेफरेंस है। कह रहा थिंक मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप गदर टू और ओ माई गॉड टू की बात करें आई थिंक दोनों फिल्म को कंपेयर करना बड़ा ही मेरे हिसाब से तो इट विल नॉट बी फेयर ना इंसाफी होगी बिकॉज ऑब्वियसली दोनों बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। जहाँ जहाँ एक तरफ गदर नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म यू नो इस चीज़ वो उस चीज़ पे टच करती है और एक सर्टन मैं कहूँगा मैचोइज्म अटैच है गदर यू नो। और गदर का एडवांटेज है कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, इट इज जस्ट गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर स्टोरी। यहाँ पे तो खैर बिल्कुल एक नई कहानी है यू नो नए प्रोटैगनिस्ट है, ये अक्षय इज द ओनली कॉमन लिंक। खैर लेकिन पहली फिल्म में अक्षय कुमार साहब कृष्णा बने थे और यहाँ पे वो आपके शिव के अवतार में आपको दिखाई देंगे। तो खैर ये है जहाँ एक तरफ गदर के पास एक एस्टैब्लिश ब्रांड है यू नो वो एक अपने टारगेट मास ऑडियंस को यू नो केटर करेगी और क्योंकि आज जैसा माहौल है उसके अंदर देशभक्ति और भी यू नो लोगों के अंदर और भी देश अपने देश के प्रति भावना है तो शायद उस हिसाब में तो गदर को एडवांटेज है। लेकिन जब बात मैं कहूँगा रिलीजन की आती है फेथ की आती है तो उसके आगे तो कोई भी नेशनलिज्म पेट्रियाटिज्म जिंगोइज्म वो सब उसके आगे छुपी जाती है। खैर अगर हम सिनेमैटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद कहीं ना कहीं हमें गदर टू का टीजर शायद थोड़ा ज़्यादा प्रभावित लगा लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ माई गॉड टू का टीजर भी इट इज़ नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। आई थिंक जो मेन चीज़ ऑब्वियसली इस टीजर में स्टैंड आउट करती है वो है भक्ति जो आज के माहौल में मेरे ख्याल से दर्शकों को काफ़ी और जो खासकर हमारी अधिकतम वास्ट पॉपुलेशन है द वास्ट हिंदू पॉपुलेशन उसे तो ये फिल्म जाहिर यू नो अपील करेगी। खैर अब देखना है कि जब ये दोनों फिल्म रिलीज होंगी यू नो तो दर्शक कैसे विल दे बी डिवाइडेड और वो है। खैर वी कैन ओनली विश द बेस्ट फॉर अक्षय कुमार हु अनफॉर्चुनेटली एज वी ऑल नो पिछले 2-3 साल से यू नो ही इज बीन गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और एक आध उनकी हिट आई थी लेकिन उसके अलावा उनकी इतनी ढेरों फिल्में आई है सच बताए तो हम तो उनकी फ्लॉप फिल्मों की गिनती भी अब भूल गए हैं। खैर बस ये कह सकते हैं अगर कोई फिल्म है जो शायद यू नो विच कैन स्टेम द रॉड फॉर मिस्टर अक्षय कुमार तो ऐसा लगता है कि शायद दैट कुड वेरी वेल बी ओ माई गॉड टू। खैर आपको ये टीजर कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच टेक केयर।